बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 4K पॉइंट और मैं हूं होस्ट आपका मलिक अज़र। तो नाज़रीन, हर रोज़ नया दिन, नई सुबह, नए रेट्स। मार्केट में आज मक्की के रेट में मंदी देखी गई है, जबकि गंदम के रेटों में पंजाब साइड में ज़बरदस्त तेज़ी है और सिंध साइड में मुस्तहक हैं, रेट रुके हुए हैं। तो मूंजी के रेटों में भी ज़बरदस्त तेज़ी है और कपास के रेटों में थोड़ा बहुत कमी देखी गई है और तिल तिली के रेट्स भी मुस्तहक हैं। तो आज इस वीडियो में आपके साथ तमाम अजनास के अर्फ वाला गल्ला मंडी के मुकम्मल रेट शेयर किए जाएंगे। रेट शुरू करने से पहले आप तमाम भाइयों से गुजारिश है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहे। तो अब बात करते हैं आज मुंजी के ताज़ा रेट। तो सबसे पहले बात करते हैं 1509 आज अर्फ वाला गल्ला मंडी में कटर वाला माल 4900 रुपए से लेकर 5375 रुपए तक फीमन फरोख्त हुआ, जबकि हाथ वाले माल की बात करें तो वो 5300 से 5425 रुपए तक फीमन फरोख्त हुआ। और इसी तरह बात करते हैं 1692 की, तो 1692 4900 से 5375 रुपए तक फीमन फरोख्त हुआ। और कटर वाले माल की बात करें तो वो 5300 से 5425 रुपए तक फीमन फरोख्त हुआ। और सुपर फाइन के रेटों की बात करें तो सुपर फाइन आज 4400 से लेकर 4750 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है आरोह वाला गल्ला मंडी में, जबकि एरी 6 हाईब्रिड की बात करें तो 3500 से लेकर 3825 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है। और अब बात करते हैं एरी 9 की, तो हाईब्रिड क्वालिटी है, 4400 से लेकर 4700 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है। और सुपरी की बात करें तो सुपरी भी आज ज़बरदस्त रेटों के साथ 4500 से लेकर 4700 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज मुंजी के रेट्स की ताज़ा तरीन अपडेट्स। इन रेट में 100-150 की कमी पेशी हो सकती है, मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है रेट्स में। तो अब बात करते हैं मक्की के रेट्स की, तो आज अर्फ वाला गल्ला मंडी में मक्की फीड क्वालिटी मक्की, अच्छी क्वालिटी की मक्की के रेट्स की बात करें तो 2430 रुपए तक फरोख्त हुई। और जबकि डैमेज मक्की की रेट्स की बात करें तो वो 1800 से लेकर 2100 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है। नाज़रीन, ये बड़ी गल्ला मंडी की रेट्स हैं, तो छोटा गल्ला मंडी के रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। उनके रेटों में 400 से 500 रुपए की कमी देखी जाती है। ये पाक पतन की लोकल गल्ला मंडी के रेट्स हैं। तो आज गंदम के रेट्स की बात करें तो वो आज लोकल मार्केट में 4450 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है, जबकि तिल तिली के रेट्स की बात करें तो 16000 से लेकर 17200 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है। और बात करते हैं मक्की के रेट्स की, तो मक्की 1600 से लेकर 2300 रुपए तक अच्छी क्वालिटी की मक्की फरोख्त हो रही है। 1509 और 1692 की बात करें तो 4400 से लेकर 4800 रुपए तक लोकल छोटी मंडियों में फरोख्त हो रही है, जबकि हाईब्रिड एरी 6 की बात करें तो 3400 से लेकर 3500 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रही है। तो अब गंदम के हवाले से बात करें तो गंदम मार्केट पंजाब साइड में तेज़ी का रुझान जारी है। गुज़श्ता रोज़ पंजाब की मार्केट में 4625 रुपए से लेकर 4750 रुपए की पोजीशन रही, और जबकि सिंध साइड की बात करें तो सिंध साइड में 4700 से लेकर 4960 रुपए की पोजीशन रही। और मार्केट सिंध साइड की मुस्तहक है, और जबकि पंजाब साइड की बात करें तो पंजाब साइड में 100 से 200 रुपए का तेज़ी देखी गई है। तो अब बात करते हैं तिल तिली के रेट्स की। पंजाब की जो मुख्तलिफ गल्ला मंडियों में तिल तिली के रेट्स हैं वो 16000 से लेकर 18000 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रहे हैं। इसमें अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं, नॉर्मल क्वालिटी के भी होते हैं। तो बात करते हैं कपास के रेट की, तो कपास जो पंजाब साइड में जो कपास है वो 8000 से लेकर 9000-10000 रुपए तक फीमन फरोख्त हो रहे हैं, जबकि कपास के रेट में थोड़ी बहुत ही कमी देखने को मिली है। तो नाज़रीन, कुछ अजनास में अभी भी आज मार्केट में कमी देखने को मिल रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि डॉलर की कीमतों में 30 रुपए कमी हो गई है, जिसकी वजह से अब अजनास की कीमतों में थोड़ी बहुत ही नुमाया कमी देखने को मिली है। तो ये आरजी मंदी है, इसके बाद इजाफा होगा क्योंकि रेट एक जगह पर रुक नहीं सकते। मार्केट कभी तेज़ हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। तो फ़िलहाल जो मार्केट है वो मुस्तहक है। गंदम के रेट में थोड़ा बहुत इजाफा देखा गया और मूंजी के रेटों में कुछ बेहतरी है, लेकिन आगे चलकर मार्केट की पोजीशन बेहतर हो जाएगी मज़ीद। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन रेट्स की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ भाइयों को वीडियो पसंद आएगी।